तो भी 90 समितियों की मैं चेयरपर्सन थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं सभी बैठकों में अध्यक्षता भी कर पाती थी। और मुझे क्योंकि दौरा करना अच्छा लगता था तो मैं दौरे करती थी, फिर भी मुझे ये लगता था कि शायद सभी ग्राम पंचायतों में या सभी गांव में मैं दौरा नहीं कर पाई। और आम जन को जो सही मायने में लाभ और जो अंतिम छोर तक जो रिलीफ मिलनी चाहिए, जो फायदा योजनाओं का मिलना चाहिए, शायद हम उसकी उतनी मॉनिटरिंग नहीं कर पाते जितनी कि हमें करनी चाहिए। और ना ही मैं बूंदी में हूँ हेडक्वार्टर पे और नैनवा का व्यक्ति या नैनवा तहसील या सब डिवीजन का जो अंतिम छोर का गांव है, अगर वहाँ किसी व्यक्ति को तकलीफ है और वो जिला कलेक्टर से मिलना चाहता है तो मैं सोचती थी कि क्या वो हमारे पास पहुंच भी सकता है, जबकि राजस्थान में अधिकारियों की एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती, तब भी लगता था कि शायद आम जन अपनी तकलीफ को इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि वो दूर है। ये तब था जब जिला बूंदी जो है फिर भी एक कॉम्पैक्ट डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर में ये तकलीफ जो है ज्यादा महसूस हुई। और अब जब ये 19 जिलों का गठन हुआ है तो ये तकलीफ ये जो है निश्चित तौर से एक बेटर गवर्नेंस का मॉडल राजस्थान में बन के उभरेगा। इसमें जैसे क्या कुछ मैं सीधे सीधे बताऊंगी, हालांकि मैं जानती हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने उद्बोधन में इसको और बहुत विस्तार से आपको बताएंगे, जैसे कि जमीन संबंधी मामले हैं, दीवानी मामलों के न्यायालय नजदीक होने से जो है आम जन की समय बचेगा, धन की बचत होगी। अभी इतना काम होता है कि कभी कभी जिला कलेक्टर न्यायालय में उतना न्यायालय के प्रकरणों में उतना समय नहीं दे पाते, अब दे पाएंगे। जिलों के जब संतुलित आकार हो जाएंगे तो उन्होंने हमें जो है कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी, संभव हो पाएगा, आम जन को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। आम जन का जिला प्रशासन से डेफिनेटली जो है संवाद ज्यादा बढ़ेगा और जो उनके परिवार हैं, जन अभाव अभियोग हैं, उनको डेफिनेटली उसका जो है इफेक्टिवली निस्तारण हो पाएगा। नए जिले बनने से मुख्यालय और उसके आसपास के क्षेत्र में विकास होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, नए निवेश आएंगे, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और जो नए कार्यालय में जो एक शासकीय मानव शक्ति के कारण जैसे चिकित्सा है, शिक्षा है या आम जन से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो डेफिनेटली बहुत प्रभावी तरीके से उनकी क्रियान्वित होगी। आपने देखा कि कितनी योजनाएं होती हैं राज्य सरकार की, उनको उनकी सफल क्रियान्विति के लिए बहुत जरूरी है कि सघन रूप से जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाए, दौरे किए जाएं, सीधा संवाद स्थापित हो। तो जब छोटा कॉम्पैक्ट जिला होगा तो इसमें प्रशासन जो है सक्रिय होकर इसमें काम कर पाएगा और इसका जो है बेहतर नतीजे हमें राजस्थान में इन नए जिलों के गठन से डेफिनेटली अच्छे देखने को मिलेंगे। आपको पुनः आज के इस दिवस पे बहुत बहुत बधाई नए जिलों के बनने की, और आपका ऐसा जैसा पहले सहयोग रहा है आगे भी रहेगा ये हम आपसे अपेक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्य सचिव महोदया। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मेरा अनुरोध है श्री रामलाल जाट राजस्व मंत्री जी से कृपया पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री रामलाल जाट नमस्कार। सम्माननीय राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के, प्रेस के, नेशनल राज्य के सभी साथीगण, मेरे से पहले चीफ सेक्रेटरी महोदय
राजस्व सेक्रेटरी महोदय ने आपके बीच में बात रखी। मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जन भावना का हुआ सम्मान, कि आपने वो काम किया इस राजस्थान की जनता के लिए। एक समय था कि देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया, इसी तर्ज पर तो सुखड़े जी ने राजस्थान का नया राजस्थान बनाने का निर्णय लिया, तब एक हिस्टोरिकल काम हुआ। हम पढ़ाई पढ़ते थे, 25-26 जिले ही बनाए जा रहे, परीक्षा में आते थे। इसके बाद रेवेन्यू इकाइयों का गठन हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई लगातार, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी उस अनुपात में राजस्व इकाइयों का गठन नहीं हो पाया। उसी का परिणाम यह रहा कि आम लोगों को न्याय या प्लानिंग सरकार की सुलभ आम लोगों तक पहुंचे उसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने वो काम किया, मैं आपको तय दिल से राजस्व विभाग ने आम राजस्थान की जनता की तरफ से धन्यवाद दूंगा। आपने इंदिरा जी की तरह ही राजस्थान का इतिहास नया ही नहीं, भूगोल भी एक बदला इस स्ट्रक्चर का, और 19 जिले और 3 संभाग दिए, इसके लिए आम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में। आपने यही नहीं, 4.5 साल में हमारे रेवेन्यू विभाग के आम लोगों को सुलभ न्याय हो उसके लिए 125 नई उप तहसीलें बनाई। केवल वही नहीं, आपने 85 तहसील बनाए, 35 उपखंड बनाए, आपने 1200-1300 लगभग हमारे नए राजस्व गांव बनाए, आपने 13 एडीएम बनाए। केवल यही नहीं, इसके साथ आपने 1000 से ज्यादा नए पटवार मंडल बनाए। ये एक दूर सोच, लंबी सोच का ही परिणाम है। आने वाले समय में परिसीमन जब होता है तो रेवेन्यू इकाई को ही एक माध्यम माना जाता है मुख्य परिसीमन आयोग का। और जब हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य बनाए गए, कई राज्य छोटे बने, कई बड़े बने, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य था, उस अनुपात में राजस्व का विस्तार नहीं हुआ। उसका परिणाम आ गया 300-300 किलोमीटर तक एक आदमी न्याय लेने के लिए जिला हेडक्वार्टर पर जाता था। लगभग औसत 25 लाख की आबादी आम जिले की हुआ करती थी, 1200 लगभग पर किलोमीटर के माध्यम से लोगों का क्षेत्रफल था जिलों का, जिसका परिणाम एक आदमी एक दिन भर में जाकर सुबह तक वापस नहीं आ पाता था। ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के जिलों में थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक इतना बड़ा निर्णय लिया, हर विधानसभा के पटल पर आम लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया, जिले बनाए। मैं आपके लंबी उम्र की कामना करता हूं, आपका स्वास्थ्य सही रहे, शानदार राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का काम किया। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा कि आज राजस्थान उन जिलों में आया जहां पे 5 लाख लगभग हमारी आज जो 15.5 लाख की आबादी औसत पर हमारे जिले का गठन हो गया। लगभग हमारा 5268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जिलों का गठन हो गया। एक बहुत बड़ा अंतर था जिसको पाटने का काम किया, प्लस माइनस सब आते हैं, लेकिन इस जिलों का गठन इस कमेटी के माध्यम से आपने जो माना आम लोगों की भावना को, इसने आपने हम कई राजनेता हमारी सुविधा के आधार पर हम चाह रहे, लेकिन आपने जो कमेटी की बात को रखा कई और इस तरह से रखा, इस तरह से लोगों को राहत दी कि जन्मों जन्मों तक याद करने का काम। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको इस मौके पर कि आपने शानदार वो काम किया। इस इतिहास में, इस जन्म में ये इतिहास तो बनाई, भूगोल भी आपने बना दिया। इसके साथ ही आज जो परिस्थिति चीफ सेक्रेटरी महोदय बता रही थी, बहुत बड़ी लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कई लोग राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझ के झगड़े करवाते हैं, कलेक्टर एसपी पहुंच नहीं पाता शहर की घनी आबादी के अंदर। तो आज जब कलेक्टर को नाइट होल्ड करने के लिए कहा जाता तो जिले की दूर दराज सीमाओं में 300 किलोमीटर पर जा ही नहीं पाता। लेकिन अब आम लोगों को न्याय सुलभ होगा। अब आम आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा बढ़ेगा तो इसको इकाई को मानेंगे, तो ज्यादा विधानसभा बढ़ेगी तो ज्यादा एमएलए आएंगे, ज्यादा लोकसभा के सांसद आएंगे, एमएलसी आएगा, तो आम कार्यकर्ता ज्यादा लोगों के काम कर पाएगा, आम अधिकारी पटवारी भी ज्यादा काम कर पाएगा, सचिव भी काम कर पाएगा, एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर भी ज्यादा काम कर पाएगा। ये शानदार काम आपने किया है। मैं आपके
एक बार और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। कुछ आपकी सोच थी वो बहुत बढ़िया, कुछ आज हमने मांग की, आपने कमेटी का भी लंबा टाइम कटर कर दिया, बहुत शानदार आपने काम किया, ताकि आने वाले समय में और ऑप्शन रहे और नए जिले। मैं एज राजस्व मंत्री आज तो आपने बनाए, लेकिन और मांग भी रखूंगा आपके सामने, क्योंकि मेरे पास विधायक भी कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, आपने कई जनप्रतिनिधियों को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन और आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखें जिससे नए जिले और बन सके, कुछ जिले और छोटे भी बनाए, और जिले ऐसे आने वाले समय में आपको भगवान मौका देगा, आम राजस्थान की जनता मौका देगी, इतने शानदार काम किया, इससे छोटे जिलों का एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ज्यादा सुलभ न्याय मिले, और लोगों की जो मांग है, जगह जगह ज्ञापन आते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं, आम कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं यह काम बहुत अच्छा किया, पहली बार इस तरह का काम हुआ, आप और हमारे इसको जिला बढ़ो। मैंने कहा भाई तुम लोग राज में रहे तो हम तो छांट के कम कम बना पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया, तो ये जिला और बनवा दे। तो मैं उनकी भावना को इन मीडिया के सामने आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखे जिसे जिले भी और बने और राजस्व इकाइयों का, प्रशासनिक इकाइयों का आम जनता की मांग के आधार पर विकेंद्रीकरण हो, तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा होगा, जनता को सुलभ न्याय मिलेगा। यही बात कहते हुए मेरी बात को यही विराम दूंगा। आप सबने, जो हमारे कैबिनेट साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, आपने सबने मिलकर इसमें जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी राम लोगाया जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में ये काम किया और आपने मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया। उनकी भावना थी, हमारे कहावत है कि जनता दुखियारी होती तो राजा नरक का अधिकारी होता, ऐसे हमारे पुराणों में कहावत है, लेकिन जनता जो सुख होती, आज इन जिलों से जनता इतनी सुखी हुई तो सड़क के अधिकारी हुए आप, तो आपने शानदार काम किया, इसलिए एक बार और आपको बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामलाल जी, राजस्व मंत्री। और अब वह ऐतिहासिक क्षण आ पहुंचा है जिस पर आपको आगे भी गर्व होगा कि आप इसके साक्षी बने हैं। मेरा अनुरोध है, निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कृपया नवीन जिलों के गठन का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री जी। थैंक यू। इस पीपीटी की जो नवीन जिलों का गठन और संभागों का गठन हुआ है, इसकी कॉपी आपको इस पत्रकार वार्ता के बाद उपलब्ध करा दी जाएगी। और अब मेरा सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके उत्प्रेरण, आपके संबोधन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया संबोधन प्रदान करें। हमारे राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब, मंत्रिमंडल के तमाम मेरे साथी, चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा जी और तमाम अधिकारीगण, मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं,
जिस दिन का इंतजार था हम सबको, दो 19 जिले मैंने अनाउंस किए थे असेंबली के अंदर, और आप लोग पूछते थे कब इनका गठन होगा, कब प्रारंभ होगा काम। काम जैसे आपको मालूम है कि हमने OAT लगा दिए थे सब जिलों के अंदर, काम प्रारंभ हो गया था। और मैंने अनाउंस किया था कि 2000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है नए जिलों के गठन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसके लिए जो OAD लगे हैं उन्होंने अपने अपने ऑफिस खोले हैं, काम शुरू किया, वहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। और क्योंकि अभी मेरे पूर्व में उषा शर्मा जी ने, रामलाल जाट साहब ने आपको बताया, आप तो खुद अनुभवी हैं क्योंकि लंबे समय से पत्रकारिता में आप लोग समर्पित हैं, फीडबैक जनता का आपको मिलता रहता है। मेरा मानना है कि जितना प्रशासनिक दृष्टि से जिला की इकाई अगर बहुत बड़ी आबादी की बन जाती है, तो नहीं चाहते हुए भी, जैसे अनुभव बताया उषा शर्मा जी ने, वो एक बात है, पर कलेक्टर नहीं चाहते हुए भी जो जिला मुख्यालय होता है उनकी भी समस्या इतनी बड़ी होती है। रोज कानून व्यवस्था की बात करें या डेलीगेशन मिलने आ रहे हैं, कौन कोई समस्या, कमेटी की मीटिंग होती रहती है, तो अधिकांश जगह पर कलेक्टर लोग जितना दौरे करने चाहिए तहसील स्तर पर, SDO स्तर पर, वो कर नहीं पाते हैं। कई बार प्रोग्राम निकल जाता है और प्रायोरिटी बदल जाती है कलेक्टर की, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने कर ली तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गए। तो और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति आप सबको मालूम है कि बहुत कैसी बनी हुई है, UP की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया, ये राजस्थान नहीं है। राजस्थान एक गांव के बाद में 5 किलोमीटर भी, 10 किलोमीटर भी, और बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर में तो 15-20 किलोमीटर भी, 25 किलोमीटर भी लगते हैं। और तो जिला मुख्यालय पर आने पर कई गाँव ऐसे जिलों में हैं कि 200-200 किलोमीटर आना पड़ता है उनको। किसे कहते हैं, पूरा दिन खराब होता है, नाइट होल्ड करो, खर्चा होता है गांव वालों का, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जमीन संबंधी मामले कई होते हैं, दीवानी मामले चलते रहते हैं, और जिला अधिकारी रहते हैं, डीलर रहते हैं हर विभाग के जिले के अंदर। तो प्रयास किया गया कि हम शुरुआत करें 19 जिले से। हमारी सोच रहेगी जब हम कह रहे हैं कि 2030 जो हमारा विजन है, मिशन विजन विजन, जिसके लिए मैं आप सबसे आमंत्रित करता हूँ, सुझाव प्रदेशवासियों से भी, तमाम इंटेलेक्चुअल है, तमाम अनुभवी रिटायर्ड लोग हैं, जो भी हैं जो सुझाव देना चाहते हैं कि हम 2030 का विजन लेके चलें, उसमें जनता का सपना क्या है राजस्थान के बारे में। और जब मैं बात करता हूँ तो मैं सोचता हूँ और मैं देखता हूँ कि राज्यों के अंदर जिले हैं, वहाँ भी जिले कोई, आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश की आबादी लगभग बराबर है, वहाँ 7 करोड़ 27 लाख की आबादी है और 53 जिले वहाँ पर है, 15-20 किलोमीटर पर जिला शुरू रहता है, नया जिला शुरू रहता है, इंदौर से निकला आप तो जाओ आगे जाके ये स्थिति बनती जाती। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ 56 लाख की, वहाँ 33 जिले हैं जो हमारे 33 जिले राजस्थान में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे फैसले का वेलकम क्यों हुआ, इसलिए हुआ लोगों ने देखा कि अब हमारे ज़्यादा दूरी जाना नहीं पड़ेगा और जो काम होंगे जिला मुख्यालय से भी उसमें हमें आराम मिलेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो है, ये फैसला जो किया गया और उसी सोच के साथ में हम लोगों ने तय किया है कि प्लानिंग होती है जिलों में, प्लानिंग होनी है जिले के विकास के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने हैं, सरकारी या गैर सरकारी, कानून व्यवस्था की स्थिति की बनती है आप जानते हैं, तो एक
एसपी को 200 किलोमीटर जाना पड़े जिले के अंदर, कोई घटना घटित हो गई, आप सोच सकते हो कि कितना टाइम लगता है उसको पहुंचने के अंदर वहां पर। तो मेरे ख्याल से जो अनुभव कहता है, और मैंने कई अधिकारियों से बात भी करी, उन्होंने ये कह रहा, हम चाहते हुए भी कई बार जिला कलेक्टर साहब जान नहीं पाते जिले के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस रूप में ये प्रयास किया गया, ये प्रयास है अभी, तो इसमें जो प्रयोग किया हमने, तो इसमें जो अनुभव मिलेगा हमें छोटे जिलों का बड़े जिलों का, उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की। इसलिए हमने जो कमेटी, रामलुभाई कमेटी है, इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो। तो हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैंने स्टडी भी करवाई है, तो मुझे बताया गया कि हमारे पड़ोसी राज्यों में, गुजरात में डांग जिला है 2,90,29,000 की आबादी, पोरबंदर 5 लाख के लगभग है, नर्मदा 5 लाख, पंचकुला गुजरात में पंचकुला हो गया, चरखी दादरी हो गई 5 लाख के हैं, हरियाणा के अंदर मलारकोटला वो तो आपका 4,30,000 का है, बरनाला भी 5,96,000 का है। इस प्रकार से करीब देश में 600 जिलों में 95 जिले हैं जो 5 लाख की आबादी से कम भी हैं। इस प्रकार से जो स्टडी हुई है, मैं समझता हूँ कि उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने इतने फैसले किए हैं, वो भी एक कारण है कि आज़ादी के बाद मेरे ख्याल पहली बार जो फैसले हुए हैं इस कार्यकाल में हुए हैं, जिसमें आप देख लीजिए नए स्कूल खुले हैं सैकड़ों की तादाद में, अस्पताल CAC PHC राजस्व ग्राम नए बने हैं, पटवार सगर बने हैं, उप तहसील बनी है, तहसील बनी है, उपखंड कार्यालय बने, ADM ऑफिस लगातार बनते जा रहे हैं, राजस्व विभाग में जो नई इकाइयों का गठन हुआ है उसका नीचे स्तर तक भी जाना लाजमी है। मुझे बताया गया अभी मेरे ऑफिस ने कि 4.5 साल में हमने 1,284 नए गांव बनाए राजस्व ग्राम, 96 पटवार नवीन पटवार मंडल है, और इस बार मैंने और घोषणा कर दी है इस बजट में 1,035 की पटवार मंडल की, 32 भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल, 125 उप तहसील, 85 तहसील, 35 उपखंड कार्यालय, 13 ADM कार्यालय और 1 सहायक कलेक्टर ऑफिस खोलेगा। कहने का मतलब कि ये तो एक वानगी है प्रशासनिक की, बाकी हर विभाग में जो काम हुए हैं जिस रूप में, स्वाभाविक है उसके कारण से मशीनरी दुरुस्त हो, मजबूत हो, ये सोच के फैसला किया गया। इसलिए मैं आपको तकलीफ इसीलिए थी कि कभी हम लोग, आज 4 तारीख हुई है, 7 तारीख को विधिवत हर जिले में नए बने वहाँ पर बकायदा हमारे प्रभारी मंत्री जाएंगे, वहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी, वहाँ पर पूजा पाठ भी होगा, और बकायदा भारतीय संस्कृति संस्कार है, परंपराएं हैं, उसको निर्माण करते हुए नए जिले का वहाँ पर एक प्रकार से स्थापना की जाएगी। क्योंकि कोई जिला बनना हो जिले वालों के लिए तो 25 साल बाद में राज करेंगे, साहब उस वक्त में जिला बना था, जिले की स्थापना बड़ी बात है, राजस्थान प्रदेश की स्थापना बड़ी बात थी, तो जिले वालों के लिए तो जिले की स्थापना बड़ी बात है। तो विधिवत रूप से हम चाहेंगे 19 जिले के लोग वहाँ पर जो है उनको कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सरकार का निर्णय हमारे हित में है और हमें अब प्रशासनिक कामों में आसानी रहेगी, ये मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग बैठ के बात करें, धन्यवाद। आज राहुल गांधी जी का भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो हम तो रोज कह ही रहे हैं आपको, ये जो फासिस्ट लोग हैं, जिस प्रकार से आज चिंता लगी हुई देश के अंदर माहौल बना हुआ है,
उसमें आप देखिए कि डिफेमेशन केस के अंदर आजादी के बाद में पहला राहुल गांधी है जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट का फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी उस फैसले की, तो उसको खारिज ही कर दिया हाई कोर्ट के फैसले को। हाई कोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में, क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ के केस चल रहे हैं, कब है ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है, ये जो आम जनता में जो कमेंट आने लगे हैं सरकार रिपीट होने जा रही है, ये जो माहौल है हर घटना को दुर्घटना को मैं उसी रूप में देख रहा हूँ, चाहे मेरे पैरों में लग गई है उसको मैं उस रूप में देखता हूँ। ये मेरे उस वक्त लग जाती चुनाव के पहले 2 महीने तो मैं कैसे कैंपेन करता। जो घटना दुर्घटनाएं हो रही राजस्थान में, जो कमेंट आ रहे हमारे विपक्षी साथियों के, जिस पर धावा बोला गया राजस्थान में, मणिपुर के साथ में राजस्थान जोड़ दिया गया है, कैसे पूछ सकते राजस्थान इसको, मणिपुर राजस्थान छत्तीसगढ़ पहला नाम राजस्थान का लिया मोदी जी ने, दूसरा लिया छत्तीसगढ़ का, वहां भी वो राजनीति करने नहीं चुके। जनता इसका जवाब देने में तैयार बैठी है, जनता जवाब देगी। और जो उनको कहा गया है मणिपुर की घटनाओं को डायल्यूट करने के लिए धावा बोल दो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज होती है, दिल्ली में होती है, फिर यहाँ होती है, यहाँ वाले लोग कैसे कमेंट करते मैंने बताया दिया आपको, कल भी बताया मैंने। तो कहने का मतलब है कि हालात हमारे पक्ष में चले जा रहे हैं। सरकार वहाँ पर रिपीट होगी, जनता ये तय कर चुकी है। जनता इस बार पहले कहने लगी भी सरकार तो वापस रिपीट हो रही, सरकार आ रही, ऐसा मैंने आज तक इतिहास में कभी देखा नहीं, किसी गवर्नमेंट के बारे में नहीं देखा होगा। जो हमारे गवर्नमेंट के बारे में जनता का आशीर्वाद में मिल रहा है, और मुझे लगता है इस बार जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनमें से बड़ा तबका जो है वोट कांग्रेस के उम्मीदवारों को देगा, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए देगा, ये मैं कह रहा हूँ फीडबैक आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए बीजेपी वाले हिले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सिंपेदाई से कह रहा हूँ मैं, कार्यकर्ता भी हो सकता है कि कई बदल जाए वोट दे दे, ऐसे भी खबरें हमारे पास आई है, मेरे पास नाम भी उनके जो घराने हैं बीजेपी के बड़े बड़े, उनके परिवार के लोग कहते हैं क्या क्या किस्से गाने कहे हमारे हमारे नेताओं को, वो तो कभी मैं आप लोग बात करें बताऊंगा। पर साथ में जो वोटर है जिनकी सिंपैथी रहती बीजेपी के साथ में, इस बार राजस्थान को लेकर मैं कह सकता हूँ इस बार राजस्थान सरकार को रिपीट करने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली है। तो ये तमाम जो मैंने कहा आपको स्थिति बन रही है वो बन रही है कि राजस्थान 2030 तक कैसे एक विजन लेके चलें, देश के नंबर वन राज्यों की श्रेणी में हम भी आ जाएं। बस 30 की बात करूं उस पर कौन तो सरकार मुख्यमंत्री रहेगा कौन क्या करेगा अलग बात है, पर कम से कम हम सबका विजन तो होना चाहिए। विजन होगा तभी तो हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। RIC मैंने क्यों बनवाई है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो बना है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में, आप मेरे कुछ लोग गए होंगे, हैबिटेट सेंटर में गए होंगे, वहाँ पर दिल्ली में तमाम प्रेस वाले हैं, साहित्यकार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बैठ के डिस्कशन करते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में। वो फॉर्म ये है जो बन गया हमारा, और इतनी बुकिंग होने लगी अभी से ही। तो ये हमारी जो संस्थाएं खड़ी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, गांधी जी म्यूजियम बन के तैयार है, करीब करीब 1 महीने बाद में उसका उद्घाटन हो जाएगा। हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं बना जो राजस्थान में बन रहा है, गांधी म्यूजियम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है जो दिल्ली में है पार्लियामेंट के साथ में, यहाँ बन रहा असेंबली के पास में, उनका काम चल रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह ही वो अलग बन रही, भवन बन रहा शानदार, IPT टावर बन रहा है। तो राजस्थान आज सब क्षेत्रों में बहुत तेजी गति से आगे बढ़ रहा है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ संभव होगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और चाहेंगे अधिक से अधिक जिले बने, छोटे जिले बने,
रिपोर्ट क्या देती कमेटी, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। 6 महीने हमने कार्यकाल बढ़ा दिया बहुत, क्योंकि लंच का टाइम है, आपको मैंने थोड़ा लेट कर दिया आज, तो मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा मैं प्रवचन दूँ, इसलिए बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब समय है आप लोगों के प्रश्नों का। सबसे पहले, कहाँ विश्व गुरु और कहाँ एक सेवक राजस्थान का, मैं तो राजस्थान के सेवक हूँ, वो विश्व गुरु है, उनका मुकाबला मैं कैसे कर सकता हूँ। पर मैं इसे जो मैंने कहा, ये जो हमारे नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 5 साल बने बैठे हैं, ये परंपरा खत्म करें अच्छी बात नहीं, मैं उनको दिल से कहना चाहता हूँ। परंपरा जो 1852 से जो शुरू हुई थी बहुला सुखाड़ा के वक्त से, जिसको भारत सिंह शेखावत ने भी निभाया, बीजेपी के थे, बीमार पड़े मैं बॉम्बे गया, दिल्ली गया और उनके घर पे तो 5 साल पर गया हूँ जयपुर के अंदर। ये रिश्ते थे पक्ष विपक्ष के, हमने कहाँ सीखा, बचपन में पढ़ते थे तब से सीखा है राजस्थान में पक्ष विपक्ष क्या होता है। पहली बार है जहाँ पर ये मेरी चोट लगी और कह रहे हैं कि तो कीड़ लग गई है और ये सब बांध के बैठ गए हैं। बताइए आप, 3 टुकड़े हो गए मेरे एक पैर के, अंगूठे के 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, एक में वो फ्रैक्चर हो गया, पूरा नाखून बाहर आ गया। और ये जो टमाटर जो कमेंट कर रहे हैं ना, इसकी वजह अगर राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है या इनके दूसरे नेता लोग हैं, अगर ये सीएम हाउस आते मेरे से पूछने के लिए जब क्या हो गया कैसे लग गई, तो उनकी हाइट बढ़ जाती। वो जानते नहीं हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट घटाना जानते हो तो रोज रजिस्टर में दे रहे हैं, रोज उनका कद नीचे जा रहा, बोना होता जा रहा उनका कद, रोज के स्टेटमेंट से झूठे आरोप लगा करके अपने कद को ये लोग बोना करते जा रहे हैं। इनको आता ही नहीं, अगर मुझसे मिलते मैं गुरु इनको समझा सकता था, बता सकता था भाई मेरी स्थिति बनी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उनकी ऐसी सोच है इन लोगों की। ये जनता सब देख रही है, कुछ क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे, कौन कर रहा है, तो बाहर के लोग आते हैं क्या? और जितना हमारे यहाँ तत्परता से काम होता है रोकने का, एबीपी के लड़के थे वो 3 लोग जोधपुर के अंदर, 2 घंटे में पकड़ लिए, इनके जवान पे ताले लगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। मध्य प्रदेश में एक एमएलए था बीजेपी का, उसके लड़का रेप में आ गया, वो बात नहीं करेंगे। बदनाम राजस्थान क्यों कर रहे हो तुम लोग, मणिपुर के सामने बदनाम क्यों कर रहे हो, मैं ही पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है, इन लोगों का जो रवैया अप्रोच है जनता सब समझ रही है, और उसी रूप में मैं देखता हूँ कि मुझे याद दिला रहे, मैं तो भूल ही गया था, करोड़ी मीणा जो है मैं तो जानते ही नहीं था। एक बार जब पहली बार मुख्यमंत्री बना 25 साल पहले, तो मुझे मालूम पड़ा इसके माइंड में कोई बीमारी ऐसी हो गई है जो कि बाहर इलाज हो सकता है, मैं जानता नहीं था। मैं उनके घर पहुंच गया, मैं उनके घर पहुंच गया भाई के, और उसका मैंने इलाज भी करवाया, पर अमेरिका गया कहीं गए वो। ये हमारे राजीव गांधी ने भेजा वाजपेयी जी को अमेरिका इलाज कराने के लिए, वाजपेयी ने खुद ने बात कही उसके अंदर। तो हमारी परंपरा कई अच्छी रही है, ये ऐसे लोग आगे नेता बन के जो मुख्यमंत्री चेहरे बना के फिर रहे हैं, इनमें वो स्वाधीनता भी नहीं है, स्वाधीनता वो भी नहीं है। अरे हाउस में कितने झगड़े हो जाते थे पहले राजस्थान असेंबली के अंदर, बाहर आते हंसी मजाक करते थे पक्ष विपक्ष वाले, वो टाइम भी था। अब देखो आप क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, मेरे पैरों में कमेंट कर दिया, बताइए आप। मैं तो दुखी हूँ, कमेंट कर नहीं पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ, तकलीफ मुझे होनी चाहिए, मेरी पार्टी को होनी चाहिए, वही तकलीफ कब ठीक होगी। पर ये बता दीजिए क्या कमेंट किए, मैं तो हैरान हूँ देख करके कि ऐसे इस स्तर के नेता पैदा हो गए क्या, जो 3-3, 4-4, 5 बार जीते चुनाव हैं, उनकी स्थिति यह है। तो नई पीढ़ी को क्या सिखाएंगे, हम सबकी ड्यूटी है कि नई पीढ़ी को हम क्या देके जाएं देश की दुनिया के अंदर, उनको हम क्या सिखा के जाएं।
हमें सीख मिली थी उस जमाने से 52 से, उनको हम निभाना चाहते हैं और ऐसे ऐसे लोग नेता बन रहे हैं। अब तो वो जाने, दिल्ली के हाईकमान की जाने। धन्यवाद। और कुछ मत पूछना, मुझे भड़का दो बिना मतलब भड़का दो मुझे। और प्रश्नों की बारी है। सबसे पहले मेरा अनुरोध है पी जॉयचेन टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैंने देखा क्वेश्चन सब खत्म है, लंच में जा रहे हैं। बोलो बोलो बोले 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 क्या कहने भाई। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन यही है। आपने कल भी वसुंधरा जी की तारीफ किया, वही एक स्टार्टर की नेता है बीजेपी में, तो वसुंधरा जी ये बोल रहे आपने तारीफ करके करके उसकी करियर खत्म कर रहे हैं। देखिए, जाके पूछे वसुंधरा जी को मेरे कमेंट को तारीफ मानती है या क्या मानती है, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने तो हकीकत बताई आपको, पहले मैं बता चुका हूं आपको, और मैंने कुछ नहीं कहा है। वो तो मेरे खिलाफ विषय में दे रही, आज भी दिया उसने, और किन शब्दों में दिया आप बताइए, मैं तारीफ करूंगा उनकी। वो तो मेरे लिए सब काम दे रही, आज ही मैंने पढ़ा अखबार में, आज ये कल बताइए। वो बीजेपी के लोगों का कल्चर है ये, दुश्मनी निकालना, बदला लेना, हम लोग ये नहीं करते। काम रोक देना, सरकार बदलते ही वो करते हैं। नरेश शर्मा फर्स्ट इंडिया से। सर मेरा सवाल राहुल गांधी पे जो फैसला आया है उसको लेके है। राहुल गांधी पे जो फैसला आया, जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तो जितनी स्पीड से उनकी संसद की सदस्यता बर्खास्त की गई थी, उनको संसद आने से रोका गया था, क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आने के बाद उसी स्पीड से उनको वापस उनकी सदस्यता बहाल करेंगे, या फिर कोई ऐसा हथकंड अपना जाएगा कि वो संसद में ना आ सके? देखिए मुझे पता ही नहीं अभी फैसला में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए मैं कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता। पर वो तो उनको पार्लियामेंट निष्कासित करने का षड्यंत्र था, ये मैं कह सकता हूँ कि ये षड्यंत्र था उनका। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी, तब से षड्यंत्र हो गया। और एक साल पहले का केस जो था सूरत के अंदर, जो करने केस करने वाले रुकवाया था केस को, हाईकोर्ट जाकर के वापस को जिंदा किया, बाद का मालूम है क्या क्या हुआ। आज बहुत मुबारक दिन है और जिलों का, नए जिलों का गठन हुआ है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उस संबंध में प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान पत्रिका से शैलेंद्र शर्मा। सिर्फ उन्हीं जिलों के बारे में बात करो, ये जो 19 जिलों का गठन हुआ है, हमारे राजस्थान में अधिकारियों की पहले से ही कमी चल रही है, अब इस कमी को कैसे दूर कर पाएंगे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपके कैबिनेट के 2 मंत्री भी जिला बनवाना चाह रहे थे, तो वो क्या जिले बनेंगे? मैंने कमेटी 6 महीने आगे एक्सटेंड कर दी है, कोई सुझाव उनको, उनके पास जाएंगे, उसके बाद विचार करेंगे हम लोग क्या करेंगे। और अगला प्रश्न दैनिक भास्कर से आलोक खंडेलवाल। हेलो नमस्कार। वैसे सवाल आ गया लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर्स की काफ़ी कमी है और अभी आपने 19 जिलों का नया गठन कर दिया, तो उन आईएएस, क्योंकि अभी भी 30 के करीबन 30 से ज़्यादा अधिकारी एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं, तो उनको कैसे, उस चुनौती को कैसे पूरी करेंगे? आप कैसा कीजिए, अभी आरएएस जो आईएएस बनते हैं ना, उनका बहुत देरी से नंबर आता कलेक्टर बनने का कई बार, तो हमारे पास जो स्टाफ या जो अधिकारी हैं, जब ये आपने, आपके पहले वाले हमारे साथी ने जो क्वेश्चन किया, अधिकारी कमी वगैरह नहीं आने दी जाएगी, जहाँ भर्ती की जो गुंजाइश है या नए जिले बने हैं, स्वाभाविक है कि कई नई भर्ती होगी वहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न श्री जे के श्रीवत्सन।
सर नमस्ते, आपने पूरा भूगोल बदला सर, 19 नए जिले बनाकर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, क्योंकि परीक्षा में भी सवाल आना है। वो भी आपको नोट मिलेगा तो मालूम पड़ेगा आपको अपने आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री विजय विद्रोही। जिलों पे नहीं पूछना मुझे यार, मेरा दूसरा सवाल है। मेरा कल से डिजिटल मीडिया में यह चल रहा है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी ली है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो आपको क्या कोई स्ट्रेटेजी अब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरा अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या ये माना जाए कि फिर 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? विजय विद्रोही जी, आपका नाम ही विद्रोही करना है, विद्रोह करना ही है। देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने पहले कह दिया, प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु है, और विश्व गुरु है, विश्व गुरु का मुकाबला तो दिल्ली में बैठ के पता नहीं वो क्या सोचते हैं। मैं मेरे कामों के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ उनके आधार पर मैं जाऊंगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक चुनाव जीतने की बात है, प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हो, मैंने तय कर रखा है कि मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति करूंगा, और मुझे राजस्थान की सेवा करने का मैंने संकल्प ले रखा है अंतिम सांस तक। वो क्वेश्चन कभी पैदा होगा ही नहीं आगे भी कि मैं भी कोई बात दिल्ली के राजनीति में मैं उम्मीदवार हूँ यहाँ पर। श्री योगेंद्र शर्मा, जन टीवी। सर जिलों से थोड़ा अलग हटके सवाल है, लेकिन सर रिलेवेंट है। और आपको मानो विजय विद्रोही जी कि जब हमारी पार्टी का चेहरा जो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए, फिर ये कहाँ बात उठती है कि और कोई आएगा? तो ये किसने कह दिया? आप अधिकृत रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस के? हमारे लिए तो है आपके लिए, लेकिन पार्टी की तरफ से तो अधिकृत? हमारे लिए तो राहुल गांधी चेहरा है, रहेंगे, बाकी हाईकमान जाने और आगे क्या देखते क्या होता है। पहले से ही वो तो नई बात है नहीं, नहीं अभी कांग्रेस अध्यक्ष थे वो, पहले तब भी वही थे। अभी राहुल गांधी लगातार इनकार करते रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इनकार करते रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी जो इंडिया बना है, महासंगठन महागठबंधन, उसमें उन्होंने आपने क्या चर्चा की मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूँ भी कि देश राशि जानते हैं, कांग्रेस वाले जानते हैं, मोदी जी का कोई मुकाबला कर रहा है देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है, ये बात है। सर मेरा जिले से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अलग हटके सवाल है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं, खासकर महिलाओं के प्रति, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें अपराध नहीं हो रहे हो, क्या लगता है सर इस पे कोई विचार करना चाहिए, अलग हटके सोच रखना चाहिए? और दूसरा सर, मानगढ़ धाम को लेके आपने मांग उठाई थी प्रधानमंत्री जी, इसको डायलॉग हुआ क्योंकि अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं वहां पे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए? देखिए, जहां तक ये महिला अत्याचार की बात है, आपने खुद ने कहा कि सब राज्यों में होता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमने क्योंकि यहाँ पर FIR दर्ज करना कंपलसरी किया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूँगा, ये मामूली फैसला नहीं है, ये नहीं कि भाई आप कंपलसरी अभी हो गई तो जाके FIR दर्ज हो जाएगी। उससे बड़ा ये मामला है, इसके पीछे ये भावना थी। उससे जो है, जो लोग पहले आते नहीं थे दर्ज करवाने के लिए कि जाएंगे, सुनवाई तो होगी नहीं हमारी, अगर किसी बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ हो गई मान लो, तो ही उसके माँ बाप इतने नहीं जाते थे, थाने में सुनवाई होगी नहीं, सुनवाई नहीं होगी, मेरी बेइज्जती मेरे पूरे मोहल्ले में होगी, मेरे गांव में होगी,
वो मन महसूस के रहता था, दुखी होकर रहता था, उसकी पीड़ा को हमने समझा है और हमने इसीलिए फैसला किया है। एक कॉन्फिडेंस बढ़े पूरे प्रदेश के अंदर, किसी का भी मुझे अधिकार दिया गया, ये गारंटी दी मैंने। आज के गारंटी शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है, मैं कहना चाहूंगा मैंने गारंटी दे रखी है प्रदेशवासियों को, आपकी एफआईआर दर्ज होके रहेगी, ये गारंटी मेरी है। उसका जो मल्टीपल इफेक्ट है उस तक जाने की आवश्यकता है, कितना बड़ा गांव के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया सरकार के प्रति। मानगढ़ धाम तो डायलॉग हुआ सर आपका पीएम से, वो कह के गए थे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर के फैसला कर लें। अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, वो तो मीटिंग वही करवाएंगे। इवन जरूर का अगर प्रधानमंत्री बना कर देते कोई कारण से तो फिर हम जिम्मेदारी लेंगे उसकी, मानगढ़ के विकास की। श्री दिनेश डांगी। सर मेरा सवाल है कि पांच राज्यों में और भी चुनाव है लेकिन मोदी जी बार बार राजस्थान ही आ रहे हैं, बताया जा रहा है उनको राजस्थान की चुनाव की कमान दे दी गई है, तो सही कह रहे कि ये चुनाव गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी हो चुका है, और वो राजस्थान ही क्यों आ रहे हैं इस बार? राजस्थानी जनता ने, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं फील कर रहा हूँ और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो कॉमेंट मिल रहे हैं, मुझे लगता है वो किसी को नहीं देखेंगे इस बार, सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की परफॉर्मेंस देखेंगे और वोट देंगे, मेरा मानना ये है। अब जब सामने मोदी जी अपने आप को बाबा आए तो वो तो डेमोक्रेसी कोई भी आ सकते हैं। सरकार हमारी बनेगी ये जनता का फैसला, मेरा फैसला नहीं है, जनता माई बाप है, वो चाहे तो ही बनेगी। पर जो फीडबैक देते हैं आप लोग सभी लोग, उसे लगता है कि इस बार जनता वापिस सरकार रिपीट करेगी, ये मैं कह सकता हूँ। श्री शशि मोहन। सीएम साहब, जिलों को गठन को लेकर के आपने जो घोषणा कर दी, अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन अभी भी कई जगह पर फुलेरा, भिवाड़ी, सूरतगढ़, सुजानगढ़, मालपुरा, यहां से मांग उठ रही है, तो क्या दूधू का प्रयोग अगर सफल रहता है तो भविष्य में इनको कोई गारंटी देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने वो कमेटी बनाई, तो कमेटी का मतलब कार्यकाल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? उस कमेटी में जो लोग जाएंगे, बात अपनी बात कहेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट क्या आती है कमेटी की, उसके बाद देखेंगे हम क्या करते हैं। हमारा माइंड ओपन है। जब मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं चाहूँगा 2030 विजन, उसके अंदर एक विजन में भी आता है जितने छोटे छोटे जिले बनेंगे उतना ज़्यादा प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी काम करने की। डॉक्टर यश गोयल। सर 19 जिले तो बन गए, ये जो जुडिशरी का मामला है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह है, वो कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाई, तो आप थोड़ा तो धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, तो अपना भी अभी आज फैसला हुआ है, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनावों में 50 जिले बनाने से कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? जिले बनाने से चुनाव में असर पड़ेगा? अब जब मैं पूरी गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें ये फैसला भी आता है। मैं कह रहा हूँ पूरी गवर्नेंस जो हमारी हुई है उसको लोगों ने इस बार पसंद भी किया है, कन्विंस भी हुए हैं। आज तक कभी भी आप देखिए ना, 25 लाख का बीमा मामूली बात है क्या? एक ही घटना देख लीजिए आप, तो 25 लाख का बीमा, आप जो बीमार नहीं पड़े, भगवान करे कोई बीमार पड़े नहीं, बीमार नहीं जा रहा तब भी लगता भाई कि अगर तकलीफ आ गई मेरे परिवार में तो मुझे कम से कम गारंटी दी गई है, ये बात है। श्री रघु आदित्य। माइक दे उन्हें। दीपेंद्र जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आम धारणा यह रही है कि अभी कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यकों के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों से, एमएलए से अपील करी है
कि वो मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं से राखी बंधवाएं, तो इसके बारे में आप क्या कमेंट है? प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक की महिलाओं से मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधने का आदेश दिया है, सांसद जाए राखी बंधवाए, तो इस बार मुस्लिम आपको वोट देंगे क्या? अब मुझसे अब क्यों करवा रहे हो? इस देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, लोकतंत्र की स्थिति क्या बनेगी, संविधान धज्जा उड़ रही है, उसमें कौन क्या बोल रहा है आप खुद देख रहे हो, आप सोशल मीडिया देखते होंगे आप भी, जहाँ प्रधानमंत्री ने क्या कहा पहले, उस पर कमेंट भी आते हैं, तो इसलिए ये बातें तो भी गौण हो गई बातें हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। श्री रघु आदित्य बोल, लालू बोलो, बोलिए। हाँ मुख्यमंत्री जी, आप 7 तारीख को कौन सी जिले का शुभारंभ करेंगे? आप कौन सी जिले का शुभारंभ करेंगे, जोधपुर या जयपुर का? आप मीटिंग में मुझे सलाह देना, मैं कहाँ जाऊंगा। हाँ मुख्यमंत्री महोदय, मैं जानना चाह रहा था कि आपने जिलों की जो नाम अभी डिक्लेयर किए हैं, पर इनमें जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण भी जिले हैं, उनके मुख्यालय कहाँ रहेंगे? एक तो तय अभी मुख्यालय शहर में रहेंगे, जयपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जयपुर शहर के अंदर, जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जोधपुर शहर के अंदर। बाकी ये जो आपने 6 महीने के लिए कार्यकाल जो बढ़ाया है कमेटी का, तो उसमें भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या नए जिले और जुड़ जाएंगे, इसमें ऐसा है संभावना? ये मैं कुछ कह नहीं सकता, कमेटी का 6 महीने का एक्सटेंड करने का मायने क्या है, देखते क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।